नाइन्थ स्टैंडर्ड, सेकंड अभंग संतवाणी। संतवाणी का नाम है भेटी लागी जीवा। भेटी लागी यानि भेट यानि मिलना, लागी यानि आस होना, जीवा यानि जीवन को। भेटी लागी जीवा यानि मुझे तुझसे मिलने की आस जगी हुई है। इस तरह से यह अभंग लिखा है संत तुकाराम ने। संत तुकाराम, उनका पूरा नाम था तुकाराम बोल्होबा अम्बिले। फिर उसके बाद में उन्हें मोरे नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म हुआ था 1608 में और 1650 में संत तुकाराम जी को विठ्ठल भगवान विमान लेकर आए थे और उसमें बिठाकर लेकर गए थे। दुनिया में ये सबसे पहले इंसान है जो अपने शरीर के साथ में ही स्वर्ग में गए थे। तो इस तरह के ये एक महान संत थे, संत तुकाराम। उन्होंने विठ्ठल भगवान से मिलने की जो उनके मन में आस जगी थी उसके बारे में यह अभंग रचा था। व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग्य सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी। वारकरी किसे कहते हैं? जो लोग हर साल चलकर पंढरपूर जाते हैं विठ्ठल मंदिर में दर्शन करने के लिए। जब वो लोग निकलते हैं यहाँ से पैदल चलते हुए, महीनों लग जाते हैं उन्हें पंढरपुर में पहुँचने के लिए, और बराबर आषाढ़ी एकादशी के दिन ही वो लोग पंढरपुर में पहुँचते हैं। तो जो लोग पंढरपुर में जाते हैं चलकर, उन्हें कहते हैं वारकरी। तो वो संप्रदाय यानी एक ग्रुप है, वारकरी लोगों का एक ग्रुप है। तो संत तुकाराम भी एक वारकरी थे इसके लिए, और वह एक कवि भी थे इसके लिए उन्हें संत कवि भी कहा जाता है। दाम्भिकता, दैववाद, अहंकारी वृत्ति, दुराचार इत्यादिंचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगातून घेतलेला आहे। प्रेम, नैतिकता, करुणा व सर्वांभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकाराम महाराज यांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ, ओढ याने एक तरह का खिचाव, समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि संत तुकाराम जी को मिलना है अपने भगवान विठ्ठल से, और उन्हें उनके मिलन की आस लगी हुई है। तो इसी के ऊपर इन्होंने यह अभंग जो है वो लिखा हुआ है। भेटी लागी जीवा, लाग ली से आस, आस याने आशा, उम्मीद। विठ्ठल भगवान से मिलने की उम्मीद उनके मन में जगी है। पाहे रात्रन दिवस वाट तुझी, यानि वो कह रहे हैं कि दिन रात, रात्रन दिवस यानि दिन रात मैं तेरी राह देख रहा हूँ। तेरी राह देख रहा हूँ यानि किसकी राह देख रहा हूँ?
विट्ठल भगवान के मिलन की राह देख रहा हूँ। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, पूनम पूर्णिमेचा यानी जो पूनम की रात होती है, फुल मून डे। पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, चकोर यह एक पक्षी का नाम है। चकोरा को जिस तरह से पूनम के चांद की चांद से मिलने की आस होती है, तैसे माझे मन वाट पाहे, उसी तरह मेरा मन भी राह देख रहा है। वाट पाहे यानी राह देखना। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, दिवाली के समय में लेकी यानि बेटियां अपने मायके में जाती है, तो उन लोगों को मायके जाने के लिए ही दिवाली का आस रहता है। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहत से वाटुली पंढरीची, जिस तरह से एक ससुराल में रहने वाली बेटी अपने मायके जाने के लिए दिवाली की राह देखती है, उसी तरह से संत तुकाराम भी राह देख रहे हैं। किसकी? पंढरीची यानि पंढरपुर जाने की जो वाटुली यानि राह रास्ता, तो वह भी उस रास्ते की राह देख रहे है। भूके लीवा बाळ अति शोक करी, भूके लिया यानि जिस जो बच्चा भूखा हो गया है, उसे भूख लगी हुई है। भूके लीवा बाळ अति शोक करी, शोक करना यानि रोना। जब बच्चों को भूख लगती है तो बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं, ताकि जो सामने उनकी माँ है उन्हें पता चले कि उन्हें भूख लगी हुई है। भूके लीवा बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊ लीची, और उसी तरह से मुझे विट्ठल भगवान से मिलने की भूख लगी हुई है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा रोता है अपने माँ को एहसास दिलाने के लिए, उसी तरह मेरा मन भी रो रहा है मेरे भगवान से मिलने के लिए। तुका म्हणे मज लागली से भूख, तुकाराम कहते हैं तुका म्हणे मज यानि मुझे लागली से भूख, मुझे भूख लगी है। किस चीज़ की भूख लगी है? धावुनी श्रीमुख दावी देवा, वो कह रहे हैं भगवान से कि तू भी दौड़ते हुए, धावुनी यानि दौड़ते हुए, श्रीमुख यानि भगवान का चेहरा, दावी देवा, दावी यानि दिखाओ, दिखाओ देवा यानि भगवान से वह विनती कर रहे हैं कि मुझे तुझसे मिलने की भूख लगी है, तुम दौड़ के आ जाओ और मुझे अपना मुख दिखाओ। इस तरह से संत तुकाराम जी की यह संतवाणी बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही पॉपुलर है। मुझे लगता है आपके बच्चों को या जो अभी 9th स्टैंडर्ड के बच्चे यह वीडियो देख रहे होंगे, उन लोगों को मेरे इस वीडियो का बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे प्रॉब्लम एज़ पॉसिबल एज़ सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। ठीक है,
तो आप लोग ध्यान से अभी से ही आपकी पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, वरना अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तो स्कूल चालू होने में बहुत टाइम है और बाद में हम लोग आराम से पढ़ाई चालू करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अभी से ही आप लोग यह पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ताकि जब स्कूल शुरू हो जाएगी तो आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ठीक है, ओके देन, बाय।